नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई, प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम जो है टीपी के इस सीरीज में सेक्शन 53 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन कपटपूर्ण अंतरण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पेट्रीज वर्सेज गोप के मामले में ये सिद्धांत प्रिवी काउंसिल में निर्धारित किया गया। पेट्रीज वर्सेज गोप के मामले में इस सिद्धांत में के इसके सिद्धांत के दो पार्ट है। पहला पार्ट है महाजन क्रेडिटर से संबंधित और दूसरा भाग है सबसिक्वेंट ट्रांसफरी पार्षिक अंतरिति से संबंधित। इसको हम दो भागों में पढ़ करके पढ़ेंगे तो जो है आपके समझ में इजी आएगा। जैसे महाजनों से संबंधित क्रेडिटर्स, अचल संपत्ति का हर ऐसा अंतरण, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, अचल संपत्ति का हर ऐसा अंतरण जो महाजनों क्रेडिटरों को विफल करने डिफीट या देरी करने डिले करने से आशय से किया गया अंतरण शून्य करणीय होगा, वॉइडेबल होगा महाजनों के विकल्प पर। परंतु प्रोविजन है इसमें क्रेता यदि सद्भावी और सहप्रतिफल बोनाफाइडी और विथ कंसिडरेशन है, बाजार मूल्य चुकाया है, तो महाजनों के चाहने पर भी ऐसा अंतरण शून्य करनी नहीं होगा। दूसरा, ये दिवालियेपन की विधि पर लागू नहीं होता। यदि अंतरणकर्ता अंतरण करने के पश्चात दिवालिया हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, ऐसी परिस्थिति में यह सिद्धांत उन पर लागू नहीं होगा। दूसरा अंतरण है पार्षिक अंतरिति। पार्षिक अंतरिति में विशेष बात है, पहले मुफ्त में अंतरण होता है। ए नाम का व्यक्ति है, इसने घोषणा की, पहले बी को मुफ्त में अंतरण कर दिया, दान देने की घोषणा कर दी और दूसरे दिन सी को रजिस्ट्री करा दी सह प्रतिबंध। तो धोखा किसके साथ हुआ? बाद वाले के साथ, क्योंकि इसको तो पता था कि मैंने पहले मुफ्त मंत्रण कर रखा है। तो पार्षिक अंतरिति में पहले जो अंतरण किया गया है वो मुफ्त में अंतरण होना चाहिए। बाद में सह प्रतिफली हुआ है तो अंतरणकर्ता को इस बात की जानकारी थी कि मैं ये जो अंतरण कर रहा हूं पहले किसी को मुफ्त में अंतरण किया जा चुका है और अब मैं सी को अंतरण कर रहा हूं, तो धोखा किसके साथ हुआ? यह है पार्षिक अंतरिति सबसिक्वेंट ट्रांसफरी। सबसिक्वेंट ट्रांसफरी के विकल्प पर अंतरण शून्य करने ही होगा क्योंकि इसके साथ में धोखा हुआ। इस बात की जानकारी एक को थी और पहले मुफ्त में अंतरण किया और फिर जो है इसको अंतरण किया, इसको रजिस्ट्री करवा दी है, तो पार्षिक अंतरिति को धोखा देने की नियति से अंतरणकर्ता ने अपनी संपत्ति का अंतरण किया है तो सबसिक्वेंट ट्रांसफरी के विकल्प पर ऐसा अंतरण शून्य करनी होगा। तो इसके दो पार्ट हैं। अब मैं पहले समझो पेट्रीज वर्सेस गोप के सिद्धांत में क्या किया गया था। ए नाम का व्यक्ति है, इसने बी सी डी और ई से महाजनों से उधार, पहले धन उधार देने वाले को महाजन कहते थे, आजकल क्रेडिटर्स फाइनेंसर कुछ भी कह सकते हैं। बी सी डी ई से 80,000, 70,000, 1,00,000, 1,40,000 रुपए उधार ले रखे थे और कहा कि मेरे पास एक मकान है और मैं इस मकान को बेचूंगा तो आपका धन अदा कर दूंगा। इस विश्वास के साथ इन लोगों ने धन दिया। बाद में बी सी डी ई महाजनों को दो ही चीज है, डिले एंड डिफीट, या तो विफल कर दो कि मेरे धन वसूल नहीं सके या देरी करने का आशय, देरी भी अपने आप में अन्याय है। इस बात को लेकर ए ने एफ को अंतरण कर दिया, तीसरे व्यक्ति को एफ को अंतरण कर दिया अपनी संपत्ति। तो महाजनों के चाहने पर ए द्वारा जो एफ को किया गया अंतरण है वो शून्य करनी होगा इनके विकल्प पर यदि ये कोर्ट जाते हैं। सो मोटो कोर्ट नहीं आएगी, कोर्ट में जाते हैं तो जो है महाजनों के विकल्प पर ऐसा अंतरण शून्य करनी होगा। परंतु यह है कि यदि एफ बोनाफाइडी है और विथ कंसिडरेशन बाजार मूल्य चुकाया और सद्भावी है और इसके ब्लड में नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं है, नातेदारी में नहीं है,
दो के महाजनों के थाने पर भी ए द्वारा एफ को किया गया अंतरण शून्य करने नहीं होगा। तो क्या करना पड़ा महाजनों को, वस्तु स्थिति बतानी पड़ेगी कि ए जो है एफ का ब्लड रिलेशन में डियरेस्ट एंड नियरेस्ट है, कपट में शामिल है, ये सद्भावी नहीं है, बोनाफाइडी नहीं है, बाजार मूल्य नहीं चुकाया है। इस प्रकार के आरोप यदि सिद्ध महाजन करते हैं तो महाजनों के ताने पर ऐसा अंतरण शून्य करनी होगा। और यदि एफ ये साबित करने में सफल हो जाता है कि मैं सद्भावी हूं, बाजार मूल्य चुकाया है, मेरा कोई ब्लड रिश्तेदारी नातेदारी और डायरेक्ट मित्र नहीं हूं और मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इस भूमि पर इस मकान पर कर्ज लिया हुआ है महाजनों, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, तो जो है महाजनों के ताने पर भी ऐसा अंतरण शून्य करनी है नहीं होगा। लेकिन सेकंड जो विकल्प है, ए नाम के व्यक्ति ने बी को पहले मुफ्त मंत्रण किया और बाद में सी को अंतरण कर दिया, तो पहले जो मुफ्त मंत्रण किया गया है ये अंतरण शून्य करनी होगा। किसके, ये पार्षिक अंतरी सबसिक्वेंट अंतरिति के कारण। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें जो है इसके आवश्यक तत्व क्या हुए, आवश्यक तत्वों में पहला है अंतरण, कौन सा अंतरण, कपटपूर्ण अंतरण, तो मैंने अभी आपको समझाया ये लिखना है। फिर क्या है, कपटपूर्ण वरीयता का चयन, वरीयता का चयन, उदाहरण के तौर कपटपूर्ण वरीयता का चयन अंतरण करता कर सकता है, यदि ए ने एफ को बेची और केवल 70,000 सी को दे दिए, बाकी किसी को नहीं दिए और खा पी गया, ऐसा चयन करने का अधिकार उसे है महाजनों में, जरूरी नहीं कि सबको बराबर बांटे। इसी तरीके से यदि ये मोमडन है, मुस्लिम है, तो पत्नी भी मेहर की मांग कर सकती है, मेहर की एवज में पति की इज्जत को गिरवी रखती, पत्नी भी अपने आप में लेनदार है, हो सकता है ये महाजन हो और ये जो है इसको डब्लू को दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर विवाह मुस्लिम विवाह जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिंदू विवाह है तो हिंदू विवाह में पति और पत्नी एक शरीर के दो पार्ट माने जाते हैं, इकाई माने जाते हैं, इसलिए हिंदू अगर पति और पत्नी के नाम जमीन करा दी तो बचाव नहीं हो सकता उसका। लेकिन अगर मुस्लिम है और मेहर की एवज में जो है डब्लू भी एक महाजन है, लेनदार है, उसके पक्ष में भी अंतरण कर सकता है। फिर आया पार्षिक अंतरिति, जो बाद वाला, फिर है महाजन कौन, जो रुपए का लेन देन उधार देते हैं उनको महाजन कहते हैं। फिर आया प्रतिनिधिवाद, महाजनों को प्रतिनिधिवाद दायर करना चाहिए ऑर्डर 1 रूल 8 के अनुसार, या रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। प्रतिनिधिवाद नहीं कर सकते, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, तो सेक्शन 151 सीपीसी में सिविल कोर्ट का अधिकार है कि सूट एंड अपील्स आर कंसोलिडेटेड बाय कोर्ट, सेक्शन 151 में अपने आप में अधिकार है। तो साथियों आपको कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत समझ में आया होगा ऐसी आशा कर रहा हूं। किताब अपने पास रखे, इसको आज ही अपलोड कर ले, डिक्टेट कर ले, लिख ले, और कल अपन जो है डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस नेक्स्ट वीडियो में होगा। और लॉकडाउन का पालन कीजिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके लॉकडाउन टूटे और अपना बीकानेर और पूरा राजस्थान और विश्व स्वास्थ्य सेवाओं की ओर लौटे। थैंक यू।